गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हमने ऑलरेडी के चैप्टर को मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज जो है वो जब टू वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट 1914 से 18 के बीच 4 ईयर का वो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट होके 42 तक जो ये वर्ल्ड वार हुए दो, इसमें पूरी इकोनॉमी जो थी पूरे वर्ल्ड की वो तहस नहस टाइप की हो गई थी, या उससे जितने भी इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या वो एक आम जनता हो, परेशान हो चुकी थी। अब नीड थी, और जो इंडस्ट्रीज होती थी उनमें दो बात थी। अमेरिका एक मास लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका था, ठीक है, तो फोर्ड जैसी कंपनियां कार बनाने लगी थी, एक बड़े लेवल पे असेंबली लाइन का यूज होने लगा था, लेकिन उसके लिए नीड थी कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी डिमांड होना मार्केट में। इसके लिए नीड पड़ी कि अब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए वर्ल्ड में कि जिससे ये बार बार का जो डिप्रेशन जैसी कंडीशन या जो ये महामंदी आ रही हैं, वॉर हो रहे हैं, रिलेशन जो हैं इंटरनेशनल वो बेकार हो रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है पूरी उसकी कंज्यूम नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए वर्ल्ड मार्केट चाहिए। वर्ल्ड मार्केट के लिए नीड है कि फ्रूटफुल या पीसफुल रिलेशन होना चाहिए। तो इन दो वॉर के चलते इसके बाद जो थिंकर्स हुआ करते थे उन लोगों ने अपना जो पॉलिसी चेंज की और उस पर एक ऐसा यूनियन की बात की, एक ऐसा संगठन बनाने की बात की जिससे पूरा वर्ल्ड जो है यूनाइट हो सके। इसमें सबसे पहला द पोस्ट वॉर सेटलमेंट की बात की एंड ब्रंटलैंड वुड्स इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया गया। ये ब्रंटलैंड है उसका ऑफिस। तो इसमें जो पॉलिटिशियन हुआ करते थे, जो इकोनॉमिक्स थे, उन लोगों ने मेन दो एम सेट किए। फर्स्ट कि जो मास लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे आधारित कि उसके लिए हमें एक इंडस्ट्रियल जो है सोसाइटी डेवलप करनी चाहिए जिसमें जो मार्केट है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए हमें कंज्यूमर भी चाहिए। तो उसके लिए हमें वर्ल्ड मार्केट, और वर्ल्ड मार्केट में जाने के लिए हमें वहाँ पर स्थित जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना है ना। और इसमें सेकेंड की बात की गई कि लेकिन यहां पर टू एग्जीक्यूट द सेम एन यूनाइटेड फाइनेंशियल नाउ, ठीक है, तो यहां पर जो हमने डिस्कस किया कि दो यूनाइट की बात की गई, तो एग्जीक्यूट द सेम एंड यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जो यूएन की, यूनाइटेड नेशंस की, जिसमें फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया जुलाई 1944 को, है ना, 1944 को इसको किया गया ऑर्गेनाइज ब्रिटेन वुड इन अ न्यू हेम्सफर में, और यूएस हेम्सफर है ना, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये करने की आवश्यकता, तो हमने फर्स्ट तो बता दिया कि पूरे उसको यूनाइट करना और किसी भी औद्योगिक एक सोसाइटी डेवलप करना। सेकंड बात ये थी उसमें कि जितनी भी आर्थिक संबंध के बारे में था, इसमें पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि क्या हो रहा था, जो
एजिंग पॉपुलेशन थी, जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, वो मोस्ट ऑफ द वॉर में खत्म हो जाती थी। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी था। और उसके बाद जब इंडस्ट्री बेकार हो जाती थी तो रोजगार नहीं मिलता था। सरकार के पास ऐसी वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो, सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सके, सरकार के पास एक बेटर पॉलिसी हो, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं या हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कस्टम ड्यूटीज के जैसी जो उसमें लगाई जाती हैं वो इसके बारे में। ठीक है, तो इसलिए एक वर्ल्ड या इंटरनेशनल एक संस्था बनाई गई, विचार किया गया, जो आप इमेज देख पा रहे हो पीछे, तो ये ब्रिटेन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वॉशिंगटन होटल है। उसमें एक पूरा सभी जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स होते थे उनको बुलाया गया, और ये हैम्सपर में है, और ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एंड वित्तीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसमें जो थे सम्मिलित हुए, द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब बात वहां पर ये हुई, जो इतने मेंबर्स आए थे कंट्रीज के, विदेश व्यापार में जो प्रॉफिट एंड जो लॉस से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन में ही जो सम्मेलन में IMF की स्थापना कर दी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, कि जितना भी ये वर्ल्ड ट्रेड होता है उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसे हम IMF के नाम जानते हैं, और वही इसके से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगी, पॉलिसी में रिफॉर्म करेगी। ठीक है, नाउ अब जब पोस्ट वॉर वॉर की बात करें, तो ये पुनर्निर्माण के लिए पैसे के इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जैसे, जिसे आम आम भाषा में हम विश्व बैंक का नाम देते हैं, इस तरह से संस्था इसको स्थापित किया गया। इसी वजह से यहाँ पर तो मेंबर्स ऑफ द नेशंस, ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल बैंक फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए किया गया, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, सेटअप किया गया फाइनेंशियल पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज रिफर्ड एज अ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस आर समटाइम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाने। तो विश्व बैंक और IMF को स्थापित किया गया, इसे ट्विंस ऑफ द अक्सर ट्विंस के नाम से जाना जाता था, कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान, क्योंकि ये दोनों ब्रिटेन वुड्स में ही ओरिजिनेट हुए थे। दैट मीन्स इनका इनको एस्टैब्लिश किया गया था, इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो पोस्ट वर्ल्ड वार दो इंस्टीट्यूशन बनाए गए, IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। द अर्ली पोस्ट वॉर की बात करें, उससे पहले जो विश्व बैंक और IMF ने में क्या हुआ था, एक 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया कर दिया था, और इसके निर्माण की जो प्रक्रिया थी पूरी, जो प्रोसेस ऑफ द इसका एस्टेब्लिशमेंट का था, वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज का था। ठीक है, पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण था उस पर। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को बीटो कर सकता था। बीटो का मतलब होता है किसी भी प्रकार का ऐसा कि जो उसको अमेरिका को एक्सेप्ट ना हो, उसके लिए वो निषेध कर सकता था, उस पे रोक लगा सकता था, ऐसा सदस्य उस प्रस्ताव को खारिज कर सकता था, है ना। तो उसकी बात की गई, क्योंकि इसे लैटिन वर्ड, बीटो लैटिन वर्ड है, क्योंकि अमेरिका लैटिन कंट्री, ठीक है, जिसका मतलब होता है मैं निषेध करता हूं, है ना। बीटो इज अ लीगल पावर टू यूनिलैटरली स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन, है ना। तो इस तरह से इसको रखा गया। प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करते हैं जब, तो बीटो के पास इस समय बीटो में 5 कंट्री मोस्ट ऑफ द मेन हैं, ठीक है, 5 देश हैं, जिसमें चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो इसको देखने को मिलता है, ठीक, इसमें
अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा मौद्रिक व्यवस्था एक दूसरे से जुड़े होने वाली हैं, व्यवस्था होती थी इसको, रुपया मुद्रा जो भारतीय अगर बात करें, इंडियन रुपीस एंड रुपी डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय यानी एक्सचेंज के आधार दर से बंधा हुआ था। यानी सबका अपनी अपनी डॉलर की या रुपया की सबकी अपनी अपनी बेटेस कर दिया गया, उसी के आधार पर एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे कि डॉलर का मूल्य सोने के समान, सोने से किस तरह से सम्मिलित होगा। कि एक डॉलर की कीमत अगर बात करें तो 35 औस सोने के बराबर मानी जाएगी, ये वहां का यूनिट है ना। अब बात करते हैं प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष की, है ना, अर्लियर पोस्ट वॉर ईयर। द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वॉज गिवेन अ वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, यूएस गिवेन अ राइट टू वीटो ओवर द आईएमएफ वर्ल्ड बैंक डिसीजन, एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट, है ना। ब्रिटेन वुड सिस्टम ओपेंड, जो ब्रिटेन वुड सिस्टम था वो फिक्स जो है एक्सचेंज रेट पर फिक्स कर दिया गया कि कितना रुपया और कितना डॉलर, कितना यूरा वो पौंड कितना किसके के साथ कितने रेट पे रहेगा, है ना। जैसे 1 रुपया 1 डॉलर 77 के आसपास, अभी 77 रुपया 1 डॉलर, है ना, इस तरह से। तो ट्रेड एंड इनकम, अब वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस और जापान के साथ एक अच्छे से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू अप एनुअल विद द स्टेबिलिटी एंड विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन। अब क्या थी, वर्ल्ड में वर्ल्ड ट्रेड जो तो था वो ग्रो कर रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अनस्टेबिलिटी नहीं थी अभी और किसी प्रकार का ना तो कोई लार्ज फ्लक्चुएशन आया था मार्केट में, मतलब वर्ल्ड वार जैसी कंडीशंस नहीं थी। और अब एक सुटेबल जो थी इकोनॉमी या सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरह ग्रो करने लगी थी वर्ल्ड की इकोनॉमी। इसी में एमएनसीज होती हैं, इसको मैंने पढ़ाया था, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है जो एक लार्ज कंपनी होती है जो ऑपरेट करती है सेवरल कंट्रीज को एट अ सेम टाइम। अगर फर्स्ट एमएनसीज की बात करें कि फर्स्ट बहुउद्देशीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसीज बहुराष्ट्रीय कंपनियां 1920 के दशक में स्टेब्लिश हुई थी और अभी मैनी बहुत सी ओरिजिनेट हो गई 1950 और 1960 के दशक तक। यूएस बिजनेस एक्सपैंड किया वर्ल्ड वाइड एंड वेस्टर्न यूरोप एंड जापान वॉज रिकवर्ड, बिकम अ पावरफुल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गया। और इस तरह से वर्ल्ड वाइड पूरे एमएनसी जो हैं वो नोटेबल फीचर 1950 और 1960 के दशक तक फैल गई। और इस तरह से अब जरूरत पड़ी एक टैरिफ की कि जो इंपोर्ट पे लगाया जाता था, क्योंकि एमएनसी को आयात निर्यात करने में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही पड़ता था। इस तरह से उस कंट्री के लिए नीड पड़ी टैरिफ की। अब टैरिफ क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है। अब तो टैरिफ क्या होता है, टैरिफ एक प्रकार का टैक्स है जो इम्पोज किया जाता है कंट्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री से क्या करती है, इम्पोर्ट करती है सामान, तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है आने जाने के लिए। आप तटों का यूज करेंगे इस तरह से, टैरिफ आर द लिव्ड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री एंड द बॉर्डर ऑफ द एयरपोर्ट। जैसे एयरपोर्ट और बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर एरिया से अब जब क्रॉस करोगे तो वहां पर आपको देना पड़ेगा। नाउ अब क्या हुआ, इसके बाद डिकॉलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। अब अनौपनिवेशीकरण हुआ, अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता साथ में चलने लगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, इसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा यूरोपियन जो कॉलोनाइजेशन शासन के अधीन थे, अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका से ज्यादातर जो उपनिवेश हैं वो सब जाने लगे थे। क्योंकि वर्ल्ड वार खत्म होते ही 39 के बाद इंडिया में भी चेंज देखने को मिला। और उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते 42 में जब लॉन्च कर दिया गया था क्या, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, सॉरी क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
और उधर गांधी जी ने क्या कहा, डू एंड डाई, करो लास्ट टाइम है या मरो, अब स्वतंत्र होना है। वो प्रोसेस में इंडिया भी आजाद हुआ, एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश आजाद हो गए, और लेकिन सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चलने या औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। तो इस व्यवस्था में IMF उनका एक सहारा हुआ करता था, और जिससे सहारा मिला। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्ट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स फीचर आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब डेवलपिंग कंट्रीज अपनी व्यवस्था को, अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इन सब चीज़ों को, कैपिटल और प्लांट और इक्विपमेंट की जरूरत हो रही थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत हो रही थी। जैसे इंडिया में, जब इंडिया आज़ाद हुआ, इसके बाद इंडिया में जो इंडिया की बैकबोन एग्रीकल्चर कही जाती है, तो उसके लिए मॉडर्न एग्रीकल्चर की नीड पड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करना था। तो इस तरह से IMF एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो सबकी हेल्प कर सकता था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर द कॉलोनियल रूल, इट टुक ओवर टू डिकेड्स डिकॉलोनाइज एशिया एंड अफ्रीका। 2 दशक में, यानी 1941 से 1950, 1951 से 1960 तक सारे आजाद हो गए। जैसे 62 के आसपास अपना गोवा भी आजाद हो गया था, ठीक। तो व्हेन द बिकम अ फ्री एंड फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स सच एज पावर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्स। अब आजाद तो हुए, लेकिन पावर्टी, जैसे भारत ने गरीबी हटाओ जैसे नारे दिए गए थे उसके बाद, तो गरीबी हटाओ जैसे नारे क्यों दिए? क्योंकि रिसोर्स कम था और हम आजाद हो चुके थे, कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। उस समय हमें अपनी पॉपुलेशन को फीड करना था, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, है ना। लेकिन आज हम 70, आफ्टर 7 डिकेड्स हम स्टैब्लिश हैं और एक सुदृढ़ इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिजाइन टू मीट अ फाइनेंशियल नीड। जितने भी हमारे कंट्री जो है फ्रीडम पा रहे थे, उनकी लिए ऐसा डेवलप किया कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकसित राष्ट्र हैं या अंडर डेवलप कंट्री हैं, उनको फाइनेंशियल नीड की जो जरूरत होती है, या इंडस्ट्रियल कंट्री की बात करें, सो नो अटेंशन वॉज पे टूवर्ड्स द न्यूली डिपेंडेंट एशियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। अब इस तरफ एक तो ऐसा तो है नहीं, जो जितनी भी जरूरत हो रही थी इन गरीब और की समस्याओं की और विकास की कमी से निपटने के लिए, हम लोग इतना निपुण नहीं थे, इतने दक्ष नहीं थे, इतने एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि आज़ाद हुए थे तुरंत। हमारे यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स थी, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स थी, इस तरह प्रॉब्लम्स थी। इस प्रकार जापान और यूरोप ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्गठित किया था, रिकंस्ट्रक्ट किया, इसके कारण से IMF और वर्ल्ड बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी प्रकार लगभग 50 दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड संस्थान विकासशील देशों में भी पहले से ज्यादा ध्यान देने लगा। पहले तो सब वेस्टर्न दे रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर दिया गया। अब दुनिया के जितने भी डेवलप्ड विकासशील या विकसित देश हुआ करते थे, ठीक है, विकसित देश हुआ करते थे, उपनिवेश के रूप में पश्चिम साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि 9 स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूत औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। अब IMF और वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करना स्टार्ट कर दिया था जो नए डेवलप हो रहे थे, और यहाँ पर इनकी अर्थव्यवस्था के आधार पर जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा की बात करें, जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और प्रशासनिक कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे, क्योंकि वहां से उनका बेनिफिट हो रहा था। इस बार अमेरिका कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के जो नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी। तो इस तरह से एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो गया, और
most of the developing countries were not much of the benefit from the fast growth and formed a group of the group of 77 G77 जैसे ग्रुपों की स्थापना की गई। विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेजी प्रगति से कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए क्या किया, जितने नए डेवलप्ड कंट्रीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के आधार पर नियो के आधार पर आवाज उठाई और G77 के रूप से संगठित किया। तो एम जो NIEO से उसका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिससे अपने संसाधनों पर सही मायने से नियंत्रण कर सके और उसकी सहायता अधिक सहायता मिले, जिससे हम कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच बना सकें। इसलिए इन लोगों ने अपना स्टार्ट कर दिया। द डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, नियो की बात करते हैं याद रख लेना, तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विद द एक्चुअल कंट्रोल की हमने बात की, ओवर द नेचुरल रिसोर्स की बात करता था। इससे क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट में हम अपने रॉ मटेरियल को सब बेचें तो हमको वहाँ से एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग अगर बेचें तो हमको वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो G77 के बारे में देख लेना क्या क्या है, क्या है ये एक नई कंपनी है नियो के अंतर्गत काम करती है, ये ग्रुप 77 का एक ग्रुप है, ठीक है। एंड ऑफ द ब्रिटेन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, अब क्या हुआ, ब्रिटेन वुड का धीरे धीरे एंड हो रहा था और वैश्वीकरण की शुरुआत हो रही थी सालों दर, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था। डिस्पाइट ईयर ऑफ द स्टेबल रैपिड ग्रोथ नॉट ऑल वॉज वेल इन दिस पोस्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड, ठीक है। सालों की जो ये स्टैब्लिश स्थिर तेजी वृद्धि के बावजूद युद्ध के बाद दुनिया में सब कुछ सही से नहीं चल रहा था। 60 के डिकेट्स में की अगर बात करें, हम 1960 के डिकेट की बात करें, तो विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय जो प्रतिस्पर्धा थी की क्षमता को कमजोर कर रही थी। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान यानी मेन मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अस्थिरता स्थित विनिमय दर जो उनका रेट था, एक्सचेंज वो था, तो की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी और अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू कर दी गई। अब इसी बीच क्या हुआ, 1960 की बात की हमने, फाइनेंशियल एक्सचेंज नहीं रह गया था, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका था मार्केट में, US डॉलर नो लॉन्गर जो है कमांडेड कॉन्फिडेंस वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी के आगे, नॉट मेंटेन वैल्यू इन द रिलेशनशिप टू द गोल्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं रख पा रहा था। इफ इवेंचुअली टू लीड द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम टू फिक्स एक्सचेंज रेट, जो ब्रिटेन वुड्स के द्वारा फिक्स एक्सचेंज रेट लगाया गया था कोलैप्स कर गया, और इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ब्रिटेन वुड अल्टीमेटली एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई, क्योंकि जो फिक्स रेट हुआ करते थे वो अब गिरने लगे क्योंकि दूसरी इकोनॉमी इंक्रीज करने लगी। तो इससे क्या हुआ, अब उसमें फ्लोटिंग आ गया, तो इस तरह से मतलब उसमें अब वो इतनी तरलता आ गई कि आज कोई दूसरा बढ़ रहा है कल दूसरा। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर लार्ज कंपनीज जो थी ऑपरेट इन सिवरल कंट्रीज एट अ सेम टाइम कि हमने बात की। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब ग्लोबलाइजेशन तब स्टार्ट होता है जब मल्टीनेशनल कंपनीज यानी एक कंपनी मोर देन टू कंट्रीज या कंट्रीज में ऑपरेट करे एट अ सेम टाइम पे, तो उस टाइप की हम जो कंडीशंस होती है ग्लोबलाइजेशन होती है। जैसे इंडिया की कंपनी आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, UK, अफ्रीकन कंट्रीज, जापान, सब कहीं है इंडिया की। रिलायंस कंपनी आज आप हर एक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में देखने को मिल जाएगी, तो वही ग्लोबलाइजेशन है। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है पढ़ लेते हैं क्योंकि जरूरी है, जब आ गए ही गए हैं तो विनिमय दर इसे कहते हैं हम।
ये व्यवस्था जो है के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए भिन्न विभिन्न देशों की जो राष्ट्रीय मुद्रा होती है को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। और मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो विनिमय दर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यहां पर बात करें, एक तो फिक्स होती है स्थिर होती है और दूसरी फ्लोटिंग होती है यानी परिवर्तनशील होती है। ठीक है, अब परिवर्तनशील यानी फिक्स एक्सचेंज की बात करें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं, स्थिर विनिमय दर की बात करूं, तो यह विनिमय दर स्थिर होती है और इनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। अब दूसरी लचीली या फ्लैक्सिबल या फ्लोटिंग की बात करें हम, तो ये ऐसी होती है कि इसमें विनिमय दर विदेशी मुद्रा जो होती है, विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर सिद्धांत सरकार के बिना घटती बढ़ती, सिद्धांतों और सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। ये ग्लोबल लेवल पे काम करती है और ये पूरे उसमें गवर्नमेंट के हिसाब से वर्क करती रहती है। नाउ द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिश हुई थी एमएनसीज 1920 में जो हमने बात की, और ये 1950 1960 के दशक में ज़्यादा स्प्रेड हुई और इसे मोस्ट ऑफ द ये शिफ्ट कर रही थी अपना जो अटेंशन था टूवर्ड्स इंडिया और चाइना की तरफ। जितने भी पश्चिमी देश थे इंडिया से चाइना की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि यहाँ पर कम चीप लेबर मिलता था और बड़ी मार्केट मिलती थी, इसलिए ये लोग सब शिफ्ट करने लगे अपनी इंडिया अदर उसमें सब जाने लगे। ठीक है, ओके, नाउ थैंक यू सो मच। आज का जितना क्लास था या चैप्टर एंड हुआ बेहतरीन हुआ, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, इसलिए जब इसको आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि क्या हुआ, ब्रिटेन वुड का कैसे समापन हुआ, कैसे इसमें ग्लोबलाइजेशन आया सामने, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन आने का जो भारत और उधर, इसमें चीन 1949 की जो क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से बिल्कुल अलग ही हो गया था, परंतु नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव, क्योंकि सोवियत संघ भी टूट चुका था, पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की जो व्यवस्था थी समाप्त हो जाने से पश्चात बहुत सारे देश द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गए थे। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए जो कंपटीशन था, पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां भी तो ज्यादातर टेलीविजन मोबाइल फोन खिलौने चीन में बनते हैं और वहां वहां के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और खास तौर से वहां के कम वेतनों का नतीजा हो चुका था। उद्योगों को कम वेतन वाले जो मजदूर थे देशों में ले जाने की वैश्विक जो व्यापार और पूंजी प्रवाह पर भी असर पड़ा। जैसे आज भारत के मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पर सस्ता कीमत पे लेबर उपलब्ध हो जाते हैं और ज्यादा कम खर्चा लगता है और माल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसी तरह से क्या हुआ, पहले पिछले 2 डिकेड्स में चीन, भारत, ब्राजील ये जो थे ये डेवलपिंग कंट्रीनेशन हुआ करते थे, इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी चेंज के कारण दुनिया का आर्थिक पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूरी तरह बदल चुकी थी, जो आज देखने को आपको मिलती है कि कैसी पूरी ज्योग्राफी बदली हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पूरा चैप्टर जो है सीक्वेंस में देखिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय, अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। और 2 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ क्लासेस करेंगे और रिवीजन के तौर पे क्लास रखेंगे। ओके, थैंक यू।